एंजॉय करने वाला मौसम है, मेरे पेपर्स में होते ना तो फिर लाजमी मैंने निकलना था। Hey guys, good morning and assalamu alaikum. Welcome back to my new vlog. तो भाई आज मैं ना काफ़ी लेट उठा हूँ, ठीक है। अभी नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ते में आज है हलीम और साथ नान है, ठीक है। वो मैं अभी थोड़ी देर हुई है लेके आया हूँ। सो नाश्ता करें आज, और सेकेंडली प्रिपरेशन करें अपने पेपर की, जो हमारा पेपर है मंडे को। यार वो ना सबसे मुश्किल जो पेपर है ना मेरा वही है। हवा निकल गई, ठीक। और उसकी मैंने अभी प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ करना है, ठीक। और एक और चीज़, जोहान नहीं ठीक यार। जोहान बहुत 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 ज़्यादा बीमार है। कल जिस टाइम वो रिलेटिव्स के घर से आया ना, तो तब तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से सोया तो अचानक से डर के उठा। जिसना डरता नहीं है बच्चा, उस तरह उठा है। और तकरीबन ना कल रात ना तकरीबन यार 12 से लेकर ना अभी तक ना वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। अभी अंदर है मेरा अंदाज़ा, शायद सोया है या जाग रहा है, कोई आइडिया नहीं। मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ और फिर मैं प्रिपरेशन अपनी तैयार करूँ पेपर की। और सेकेंडली आज या कल हम सोच रहे हैं कि यार ऊपर जो हमने बनाने थे ना, क्या कहते हैं उसको, मुर्गों के लिए पिंजरे वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह बना देंगे। मेरी हालत ना अभी भी गंदी हुई है, किस लिए, क्योंकि मैं ऊपर ना हो गया था, बिलाल सफाई कर रहा था, साथ उसके थोड़ी सफाई वगैरह हमने की। देखें कपड़े जो है ना बिल्कुल गंदे हुए हैं, मजदूरों वाली हालत हुई हुई है। सो पहले नाश्ता करूँ और अब मैं बैठ के पढ़ने लगूँ। आज और कल का व्लॉग ना हम एक ही व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि यार पढ़ना है, लिटरली पढ़ना, और मेरी तैयारी नहीं है उसकी, ठीक। सो हम पढ़ लें, अब पहले नाश्ता कर लें फिर पढ़ेंगे। ओके हाँ, तो भाई पढ़ लिया हमने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत होगी आज के लिए पढ़ाई, बाकी इंशाल्लाह हम रात में पढ़ेंगे। तो अभी मैं छत पे आया हूँ यार, काफ़ी मौसम अच्छा हुआ है आज, मतलब सुबह से धूप भी नहीं निकली, ठीक। और सही मौसम ना लाइक ये वाला सीन है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारा कम्प्लीटली सूरज यहीं कहीं होगा, यहाँ पीछे छुपा हुआ, लेकिन सूरज आज बिल्कुल भी नहीं निकला बिल्कुल भी। तो अभी बस मैंने खाना खाना है दिन का, एक लेट खा रहा हूँ आज मैं, ठीक है। खाना वगैरह खाएं और साथ फिर अब निकलते हैं हम जिम के लिए, क्योंकि जिम जाएंगे। कल भी हमने स्किप मारी है और आई थिंक परसों भी हमने स्किप मारी थी। हाँ परसों मैं नहीं गया, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और कल हम दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट वगैरह कर रहे थे सारा, तो हम जिम नहीं गए। आज हम जिम जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आज ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना वो शेयर करते हैं भाई वेट गेनिंग वाली, वो क्या कहते हैं, मिल्क शेक की रेसिपी, ठीक है। लाइक मैं अपना मिल्क शेक कैसे बनाता हूँ, जो मैं आफ्टर वर्कआउट पीता हूँ या यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आज आपके साथ उसकी सारी रेसिपी मतलब शेयर करेंगे, सेंड नहीं करेंगे, शेयर करेंगे यार, कि उसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ। लाइक सिंपली मम्मी डैडी बच्चों की तरह कहे थे, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी मैं जाऊँ नीचे यार, खाना वगैरह खाएँ और फिर जिम के लिए हम लोग निकलते हैं। A few moments later. यार टाइम इस टाइम हो रहा है 4:30 का, और मौसम ना सही लाइक आला बना हुआ, लाइक ऐसा लग रहा है कि शाम के हो चुके हैं 6 या 7, बिल्कुल ना बादल ही बादल, बस इंतज़ार है अब बारिश का। और मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए, और साथ अभी जैसे ही मैं निकल रहा था तो मेरा कज़न भी आ चुका है नासिर, एक उसकी कोई मीटिंग थी आई थिंक, तो मीटिंग की वजह से इधर आया, तो साथ ही हमारे घर आ गए। कल फ्री है, परसों मीटिंग है, एक आज मीटिंग थी एक परसों है, तो हमारे घर आया, तो जिम हम लगा लेना, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं घर जाके और नासिर से भी मिलवाते हैं आप। तो यार जिम वगैरह लगा के हम हो गए हैं फ्री, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की, ठीक है, इतनी तेज़ नहीं, हल्की हल्की है। तो देखें कतरे नज़र आ रहे हैं, बाहर डस्ट इतनी है ना, बाइक की हालत देखें, और ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं। यूँ नज़र आएंगी, नहीं नहीं नज़र आ रही, बट बारिश हो रही है। हम फौरन खिसके ना घर को। यार जिम से तो हम आ चुके हैं वापस, ठीक है। मिल्क शेक वाली रेसिपी जो है ना, वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी कर रहे हैं काम, और काम कौन सा है, पिंजरों की चीज़ें आ रही हैं भाई। ये दो स्लेबें आ चुकी हैं, और स्लेब लाना ना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा भारी है ना। एक नासिर भाई आगे से उठा रहा है, और साथ एक अंकल हैं जो हमारे घर के नीचे रहते हैं, आपको मैं बताया था नीचे वाला घर हमने रेंट पर दिया हुआ है, तो वो अंकल हैं साथ। और आज लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ यार, आस्ता आस्ता नहीं,
हाँ जी नासर भाई, लहरेगी 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 और लहरेगी। ओ यार बारिश जो है ना शदीद तेज हो चुकी है, ठीक। और ये तीनों स्लेब्स जो है ना हमने मंगवाई थी, तीनों आ चुकी हैं ऊपर। बस आप नीचे रह गए ब्लॉक वगैरह, और ब्लॉक सारे लेके आने हैं मैंने, बिलाल ने और नासर भाई ने। और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं कहा था आपके साथ मिल्क शेक रेसिपी सेंड, वो सेंड सेंड आ रहा है। तो यार ब्लॉक वगैरह सारे जो है हमने कर दिए हैं ऊपर, ठीक है। अभी अभी मैं मुंह हाथ वगैरह धो के आया हूँ। मैं कहा कि मुंह हाथ वगैरह भी धो लें, थोड़ी शक्ल अपनी सेट कर लें। और लाइट गई भी है, यूपीएस चल रहा है, सिर्फ यूपीएस। और ये बच्चा जो है ना काफ़ी बीमार है यार, एक दो दिन से, और अभी भी रो रहा था। मैंने से कहा यार इधर आओ, मैं वीडियो बनाता हूँ आपके, इसलिए बच्चा चुप हुआ है ना। ये देखा देखा फौरन रोने स्टार्ट फौरन से। और हो सकता है कि कज़न लोग बिलाल और कज़न जो है वो जो पिंजरे वगैरह बनाने हैं वो अभी बनाएं, या हो सकता है सुबह बनाएं, लेकिन हमने कुछ नहीं करना। हम ये बैठ के भाई पढ़ने लगे हैं, हमारा पेपर है, ठीक है। जो सामान इन्हें ऊपर हेल्प करवानी थी वो करवा दिया, बाकी ये जाने इनके काम जाने। तो अभी मैं बस शेक पीना था, लेकिन यार शेक लाइट ही नहीं है, किधर से बनाऊंगा। और सेकेंडली ना एक और चीज़ आपको बता दूँ, इन्ग्रेडियंट नहीं मिले, मेरी चीज़ें ख़त्म हुई थी, लाइक बादाम काजू वगैरह ये चीज़ें, तो फिर नहीं लाई। और मैं क्या रास्ते में से आते हुए छोटे पैकेट्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भी शॉप्स वगैरह बंद थी। और सेकेंडली ना बारिश लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैंने कुछ नहीं पकड़ा। तो अभी हम बस शेक वगैरह तो नहीं पीना, अलबत्त फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। और शेक की रेसिपी इंशाल्लाह पेंडिंग रही यार, आपको दिखाएंगे हम, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सो अभी मैं पढ़ लूँ थोड़ा बहुत। The next day. तो भाई गुड मॉर्निंग, हो गया नया दिन, नया सब कुछ, ठीक है। सो आज जो है ना बारिश का मूड लग रहा तो नहीं है, मौसम तकरीबन साफ है, तकरीबन नहीं भी है, सूरज बड़े मज़े का फील दे रहा है, चेक करें। और इस साइड से लग रहा है कि बारिश हो सकती है अगेन। बाकी मैंने गूगल पे चेक किया था तो आज भी बारिश है और कल भी बारिश है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है होगी या नहीं होगी। और जो मिस्त्री साहब है ना, उन्होंने माल जो है कम कर दिया और अभी काम कर रहे हैं। हमारा मिस्त्री आया हुआ है स्पेशल यार, गाँव से हमने बुलवाया स्पेशल मिस्त्री आया है, इधर चेक करें, ये लगा हुआ काम कर रहा है। और ये बनाया है इसने रात से, पूरी रात काम करते रहे। साइड पे हो जब लाल, मिस्त्री सही आने दे यार। गुड गुड गुड, है ना। आपको बता दें ये बंदा जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। आप क्या हो जी? मैं सेक्रेटरी मैनेजर हूँ। हाँ ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। गेट्स में हो ना? गेट्स फार्मा में, ठीक है। लेकिन इस बंदे को सब काम आते हैं सिवाय ना एक दर्जी के, दर्जी का काम इस बंदे को नहीं आता। बाकी ना मोची कह लो, नाई कह लो, उसके अलावा लोहारों का कह लो, सारा काम इस बंदे को आता है, सब काम। इंशाल्लाह आपको भी जल्दी मैं सिखाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं सीख रहा, आप करते रहे, जब हैं आप हमारे पास तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है यार। सो यार ये जो ब्लॉक है ना ये कम हो चुके हैं, ठीक है। बस यही दो बन रहे हैं और इसके ऊपर ना वो हमने पड़ियाँ डाल देनी है। बाकी ना इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा और लेके आएंगे ब्लॉक, जिस टाइम नेक्स्ट टाइम ये आएंगे ना, तो तब जब अबूजार को छोड़ने आएंगे, सच्ची अबूजार को छोड़ने आएंगे, तो तब और ब्लॉक वगैरह हम ला के तो इन्हीं के ऊपर ना, मतलब ये स्लेपे यहाँ डलेंगी तो इन्हीं के ऊपर हमने दो और बनाने, एक इस जगह और उसके ऊपर भी शायद बना दें, वो मिट्टी का बना हुआ है। बाकी ईंटें वगैरह सब कुछ उसी तरह है। और मैं अभी नाश्ता करके आया, इसलिए बार बार ना हमें वो फील आ रही है नाश्ते की, ठीक है। और आज भी हमने बैठ के पढ़ना है क्योंकि हमारा कल है पेपर, ठीक। और एक ही पेपर हमारा रह गया, वो ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारे थीसिस का काम जो है वो हमें ना वो मिला हुआ है कि बाई डेडलाइन मिली हुई है कि 18 तारीख तक देना है, लेकिन अभी बड़ा टाइम है तो इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। सो बस ये आज के काम है हमारे, ये जो है इसके भी यहाँ मिट्टी भी डालनी है, मिट्टी और रेत मिक्स करके डालनी है ताकि मुर्गों के जो है ना पाँव ना ख़राब हो। एक मुर्गे का पाँव ख़राब भी हो चुका है, उसके ऊपर बिलाल अभी भी पट्टी बांधी हुई है। वो एक मुर्गा है हमारा, उसके पाँव ख़राब हो चुके हैं। रुके मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ गया ये वाला जो मुर्गा है ना, वो देखें बिलाल ने ना पट्टी वगैरह बांधी हुई है ये, क्योंकि ना मुर्गे जो होते हैं ना ये असील मुर्गे, ये जो लेंटर वगैरह हो गए या फर्श वगैरह हो गए ना, इन पर चलते रहे ना तो इनके पाँव जो है ना वो फट से जाते हैं, और वही सीन हुआ है उसके साथ। और बिलाल कह रहा था हो सकता है इसके भी हो जाएं, इस वजह से ना अब वो जो पिंजरे हैं तो उनके नीचे जो है ना मिट्टी और रेत हम मिक्स करके डालना है ताकि वो इजी रहे, ठीक है। और ये काम वगैरह ख़त्म करें मैं जा रहा हूँ नीचे, अब बैठ के हमने स्टार्ट करना है अपना पढ़ना। 2 hours later.
तो भाई फाइनली ना एक ये पिंजरा बन गया, एक ये बन गया। हमने ना सही बड़े बड़े बनाए हैं, फुल आगे ना जाली के दरवाजे लगेंगे और मुर्गे मुर्गियां पूरा पूरा दिन अंदर, बस इनके नीचे मिट्टी और रेत हम डाल देंगे। ठीक, एक ये बना है और ये जो पुराना है ना इसको ही वो क्या कहते हैं दोबारा से बनाया। ठीक है, डिमोलिश किया, डिमोलिश तो नहीं, बस उस तरफ से दरवाज़ा इसका ख़त्म किया, इस तरफ दरवाज़ा लगा दिया है और ये काम जो है ना तकरीबन हो चुका है डन। ठीक है, बस अब दरवाज़ों वाले वो वेल्डर को बुलाएंगे, नाप वगैरह देंगे तो वो बना देगा। और अभी मैं जाने लगा हूँ नासर भाई को छोड़ने इस्लामाबाद। भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले हैं, कंपनी की तरफ से उन्होंने यशी मारनी है। सरीना के साथ ही आई थिंक कोई होटल है, तो उधर उनका रात को स्टे है या फिर कल मीटिंग है कोई, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि मैंने अभी जाना है, लाइक चेक इन रात को है, सो उसे छोड़ने जाएंगे अब हम वो उस एरिया में। ठीक है, तो बस नीचे जाते हैं, मुंह हाथ धोएंगे कुछ और जैकेट, फुल जैकेट पहननी है, लाइक अपर वगैरह कोई लेते हैं फुल वाला, हाफ नहीं क्योंकि उधर सर्दी भी होनी है और अभी भी इधर ठीक ठाक सर्दी है। सो बस चलते हैं नीचे, मैं ऊपर आया था, मैंने कहा आपको ये दिखाएं जो हमने, मतलब मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं बस नीचे से ब्लॉक और जो स्लेब्स है ना ये हम ऊपर लेके आए थे, बाकी सारी मेहनत जो है नासिर भाई की और बिलाल की है। तो नीचे चलते हैं, बस हम तैयार होते हैं तो चलते हैं उसे छोड़ने। ड्रॉप कर दिया मैंने कज़न को और अभी जा रहा हूँ, और शदीद किस्म की बारिश लगी हुई है, लाइक मैं तो फुल गीला हो चुका हूँ, लेकिन यार मौसम जो है ना बहुत बहुत मज़े का, लाइक इंजॉय करने वाला मौसम है। मेरे पेपर्स ना होते ना तो फिर लाजमी मैंने निकलना था बाहर, लेकिन क्या कह सकते हैं, कादिर भी बिजी और हम भी बिजी, बस अभी घर पहुँच गया और पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। पता नहीं किस हालत में मैं घर पहुँच चुका, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। जवान आप क्या कर रहे हो उधर डब्बे के साथ, हाँ दूध लेने जा रहे हो, इधर मुड़ो पीछे, चानी क्या हुआ, नाराज क्यों हो, क्या हुआ है जी, ओए क्या हुआ, किधर किधर। तो भाई आ गया हूँ मैं वापस, ठीक है, बिल्कुल ही गीला हो चुका हूँ, ये कपड़े मेरे सारे गीले हैं और ये जो ऊपर मैं कोट पहन के गया हूँ ना वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी गीला हुआ है। सो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और फिर बैठ के हमने अगेन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सो यहीं पे अब हम करते हैं व्लॉग को एंड। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को मज़ीद शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।